हाय मेरे YouTube की फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। आप देख रहे हैं आपका चैनल एसे टेलीकॉम। दोस्तों, हमने आईफोन स्टार्ट किया है, आईफोन ट्रेनिंग जो मैं पढ़ाऊंगा आपको, मैं दूंगा आपको आईफोन की ट्रेनिंग और जो रहेगी बेसिक्स टू एडवांस लेवल पे। हालांकि बेसिक टू एडवांस एक कहने की बात है, बट ये जीरो टू हीरो है। इस ट्रेनिंग में हमने अलाउ किए हैं फ्रेशर स्टूडेंट, बट एटलीस्ट आपको मोबाइल खोलना आए और आपको पता हो कनेक्टर खुद, बैटरी बदलना, इतना एटलीस्ट छोटा मोटा काम करना अगर जिन टेक्नीशियन को आता है, तो वो आप हमारा आईफोन का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और एक आईफोन के इस आईफोन के कोर्स में आप सीखेंगे बहुत कुछ। दोस्तों, ये कुछ 15-20-30 दिनों का ऐसा कोई कोर्स नहीं है, शॉर्ट टर्म कोर्स है जिसमें मैं आपको सर्किट लेवल पे ZXW वूजिंग पे डायग्नोस्टिक बताऊंगा, किस तरह से डायग्नोस करें आईफोन को। मैं आपको ट्रेसिंग बताऊंगा, मैं आपको हर एक सेक्शन बताऊंगा, लाइट सेक्शन, डिस्प्ले सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन, अब U2 टेस्टर ये सब क्या हैं, आईफोन X तक जो ये सारी कंप्लीट गाइडेंस मैं आपको दूंगा क्लास में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा स्टेप टू स्टेप डेड मोबाइल आया तो कैसे उसको फाइंड आउट करें, लीकेज मोबाइल हो जो सेकेंडरी लीकेज हो, या फिर हम बात करें स्टैंड बाय लीकेज हो, तो वो सारी चीज़ें कैसे हम उसको रिजॉल्व करें बहुत आसानी तरीके से विदाउट कोई एनी इक्विपमेंट, और एक शॉर्ट तरीके से हम आपको समझाएंगे क्लास में। और क्लास में दोस्तों, आपको प्रैक्टिकल के लिए हम आपको डोनर बोर्ड हमारी तरफ से फ्री रहेंगे, और एक आई क्लाउड बोर्ड आपको फ्री रहेगा 6 और एक 7, जिसमें, और यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं बिल्कुल क्लियर बोलता हूँ जो कि बाकी इंस्टीट्यूट इतने क्लियर नहीं बोलते हैं। कहने को तो सभी बोर्ड का बोल देंगे कि आपको क्या हम बोर्ड देंगे, और जब आप जाएंगे तो खाली एक डोनर पकड़ा देंगे, आई क्लाउड के नाम पे खाली एक पकड़ा देंगे, बाद में बोलेंगे एक्स का आपको लाना है, इसका उसका लाना है, तो बहुत दिक्कत हो जाती है स्टूडेंट को। बट मैं किसी को उंगली नहीं उठा रहा, बस मैं बता रहा हूँ कि जो हो रहा है मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। तो बेसिकली मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि डोनर बोर्ड दोस्तों, हम आपको 6 और 7 का एक आई क्लाउड देंगे जिसमें आप लाइव प्रैक्टिकल काम कर सकते हैं। और दोस्तों, ये जो कोर्स है ये विदाउट CPU का कोर्स है, क्योंकि दोस्तों मैं नहीं मानता कि किसी भी एक स्टूडेंट को मैं डायग्नोस्टिक भी करवा दूँ, उसको मैं NAND का काम भी करवा दूँ और वो CPU भी कर ले, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं CPU बोल के बुला भी लूँगा तो भी वो CPU कर नहीं पाएगा। और CPU लेवल एक आप बोल सकते हैं Level 2, Level 4, Level 5, जो भी लेवलबाजी करते हैं उसमें लेवलों में चला जाता है। बट मैं ये मानता हूँ कि अगर आप आईफोन सीखना चाहते हैं और आईफोन बनाना चाहते हैं तो आप ये कोर्स हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, हम बिल्कुल ट्रुथ जो भी है सामने बिल्कुल फ्रैंक बात करते हैं, और मैं ये कहता हूँ मैं आपको 6 का 7 कैसे ले दूँगा, क्योंकि 7 में लाइट IC, डिस्प्ले IC सारी मैं आपको लाइव निकलवाऊँगा आपसे, और NAND का काम, एरर मैं आपको बताऊँगा कि जितने भी एरर आए, फ्लैशिंग, iTune और 3U टूल की फ्लैशिंग के स्टेप टू स्टेप सारी प्रोसेसिंग डिटेलिंग में आपको बताएंगे दोस्तों, क्योंकि काफ़ी टाइम का एक्सपीरियंस है और वो एक्सपीरियंस काफ़ी हमने और डेली के हम मोबाइल यूज़र्स के बनाते हैं। और एक और बात, अगर आपको किसी को मोबाइल फ़ोन सुधारने हैं अपने आईफोन, और आप नहीं चाहते हैं कि बड़े दाम वालों को दें, तो आप हमें कुरियर कर सकते हैं। आप ये मान के चलिए कि 10% सिर्फ कुरियर के चार्ज में हम आपका फ़ोन सुधार देंगे। कुरियर एड्रेस इस लिंक में है, नीचे आपके पते पे मिल जाएगा, और आप उस पे बिंदास अपना एक पर्चा बना के कि फ़ोन में क्या फॉल्ट है, अपना नाम एड्रेस के साथ भेज दें और एक फ़ोन कर दें, उसमें एक नंबर भी होगा मोहम्मद सर करके, तो उनको कॉल कर दें, बता दें कि मैं अपना कौन सा फ़ोन भेज रहा हूँ, तो हम आपका फ़ोन बना देंगे। तो दोस्तों, इसमें आप अपने डेड फ़ोन भी ला सकते हैं, फॉल्टी फ़ोन भी ला सकते हैं, बट क्योंकि ये विदाउट CPU कोर्स है, क्योंकि मैं आपको देखिए आज इसके बाद एक मेरा वीडियो भी आने वाला है, इसी वीडियो में मैंने एक क्लब किया हुआ है जिसमें मैंने एक 40 से 9 प्रोग्रामिंग की हुई है। खैर, उसमें मैंने कुछ बोला नहीं है, पर वो गाना बजा के एक वीडियो डाल दिया है, तो वो भी देख लेना, इन्जॉय कर लेना, हो सकता है उससे सीख लो आप कुछ। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हमारा जो कोर्स है वो 5-7 डेज का है और कंप्लीट 8 आवर का कोर्स है, जिसमें मैं कंप्लीट प्रैक्टिकली रहेगा, इसमें थ्योरी लेस रहेगी। जितनी भी थ्योरी है जो आपको सिखाने लेवल पे है, बेस्ट जो हमने डाटा बनाया अपने खुद का, वो डाटा हम आपको देंगे, वो आपको काफ़ी अच्छा होगा। और जो भी डायग्नोस्ट हो सकते हैं कितने भी लेवल पे, कि अगर टच IC बदलने के बाद भी टच काम नहीं कर रहा है तो किस लेवल पे जंपर मारना है, तो सारी चीज़ हम आपको बताएंगे। और 7 पर ऑडियो नहीं बन रहा है तो क्यों नहीं बन रहा है, क्या रीज़न है उसके पैडों के, कैसे चेक करना है, नेटवर्क में बहुत दिक्कत होती है तो कैसे चेक करना है, तो सारी चीज़ हम इसमें बताएंगे। और दोस्तों, इसमें DSO ESO नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये बेसिक
बेसिक टू एडवांस में मैं उन स्टूडेंट को दे रहा हूँ जो विदाउट सीपीयू हैं, जो फ्रेशर स्टूडेंट हैं। और दोस्तों डीएसओ सिर्फ कहने की बातें हैं, कोई इंस्टीट्यूट से भी एक बार यहाँ पर दिखा भी देगा ना तो आप कर नहीं पाओगे, मैं सच बताऊँ, ना ही आप खरीद पाओगे। 20-25 हज़ार का डीएसओ आता है, और वो जो डीएसओ आता है वो भी बहुत लो क्वालिटी का आता है। जो एक्चुअल का डीएसओ है दोस्तों वो कम से कम 35 से 50 हज़ार के बीच का आता है, जो वाकई में सही फ्रिक्वेंसी के साथ में एक अच्छा आपको वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी मैनर आपको निकाल के देगा। तो इसलिए डीएसओ ये सब कहने की बात है, और डीएसओ बहुत पुराने तरीके हैं, टीवी मैकेनिक यूज़ करते हैं, बट अभी के डेट में डीएसओ से भी सबसे बेस्ट तरीके आ गए हैं फाइंड आउट करने के लिए, क्लॉक पल्स ये सारी चीज़ें, तो वो सब आपको हम क्लास में समझाएंगे। और ऑब्वियस है कि जब हमारा कोई बैच बनेगा आईफोन का, इसके बाद क्योंकि नया है और तो हम इसके वीडियो भी डालेंगे। आप अगर आपको देखना होगा या अभी आपको पुराने हमारे एंड्रॉयड के बैचेस के स्टूडेंट के वीडियो देखने हैं तो आप हमारे फेसबुक के लिंक पे चले जाओ, फेसबुक पे टाइप करो एसर टेलीकॉम पेज आ जाएगा हमारा मेन, उस पर जाइए, वीडियो पे क्लिक कीजिए, आपको बहुत सारे वीडियो देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के डले हैं दोस्तों, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 400 भी नहीं, 4000 आप देख देख के थक जाएंगे, तो इतने वीडियो आप स्क्रॉल नहीं कर पाएंगे क्या। तो एसर टेलीकॉम ने दोस्तों हम लोग हमको अपने बारे में बताने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमने मार्केट में बहुत काम किया और बहुत सालों से काम करते आ रहे हैं। जब बहुत सारे नामी गिरामी इंस्टीट्यूट जो हमारे इंडिया में चल रहे हैं, जब वो उनकी नींव भी नहीं रखी थी तब से हम पढ़ा रहे हैं, और उसके भी 2-3-4-5 साल से पहले से हम पढ़ा रहे हैं। बहुत छोटे पैमाने में पढ़ाते थे पर अभी बड़े पैमाने पर पढ़ा रहे हैं, तो अंतर सिर्फ इतना ही है। और क्योंकि दोस्तों पहले और अब के में बहुत अंतर है, पहले में स्टेंसिल नहीं थी, टूल्स भी नहीं थे, अभी मार्केट में टूल्स आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितने टूल्स लगे हैं, फिर भी मुझे वो कम लगते हैं। तो बस यही स्टूडेंट की थोड़ी सी एक मेंटेलिटी हमें हटानी है कि खाली एक ब्रश से भी मोबाइल फ़ोन चालू नहीं होने वाला है, टूल भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। खैर, तो बस इतना है कि बजट बहुत कम है, जो फीस है वो फीस आप कॉल करके पता कीजिए, क्योंकि लिखकर या बोल कर कोई मतलब होगा नहीं, आप फीस पता कीजिए। और जो और दोस्तों वही लोग आइए जिनको आईफोन सीखना है बनाने के तौर पे, अगर जिनको ये करना है कि मुझे क्लॉक पल्स और ये सारी चीज़ें ऑसिलोस्कोप से बता दो क्योंकि मुझे कहीं सिखाना है, तो भैया वो प्लीज़ ना आए, कहीं और जाइए, क्योंकि वो वाकई में कुछ नहीं सिखाने वाले। बट इतना है, जो भी बताएंगे आप अपने फ़ोन को बना लोगे, और हाँ बहुत अच्छी एक आपको डायरेक्ट टेक्निक सॉल्यूशंस भी आपको मिलेगी, बहुत अच्छी हैंड स्किल आपको करने का मौका मिलेगा, और अच्छी अच्छी ट्रिकें आपको हम बताएंगे जो आपको आसान करेगी और एक आपका डर ख़त्म कर देगी आईफोन में कि भाई मैं आईफोन में सर पावर नहीं निकाल पाता, मुझे लगता है पावर निकाल दूंगा तो सीपीयू चला जाएगा। तो कैसे सीपीयू बचा के आप सेफली पावर निकाल सकते हो, या ऑडियो निकाल सकते हो, या यूट्यूब या टच या नैंड का काम कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ें आप आकर कोर्स में सीख सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही, और ये वीडियो को एंजॉय कीजिए, और हमारे नए बैच की कोई नए अपडेट के लिए वेट कीजिए। थैंक यू वेरी मच, आशा करता हूँ कि आपका दिन शुभ हो और आने वाला समय भी। थैंक यू। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? थैंक यू। वर्ल्ड का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन?